अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हज़रत इमाम हसन वाले लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हज़रत इमाम हसन ने बचपन में किसकी गोद में परवरिश पाई? इधर से होगा पेज नंबर 16 पर। आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त भरी गोद में परवरिश पाई। पहला सवाल यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे ज़ख्मी हुए? यहाँ से 16वें पेज पर। बागियों ने जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान को घेर लिया तो उनकी हिफाज़त करने वालों में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। आप उन बागियों के हाथों ज़ख्मी भी हुए। फिर इसका जो तीसरा है वो ये है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज का सफ़र पैदल क्यों किया करते थे? इधर से मेरा दिल नहीं मानता कि खुदा के घर सवार होकर जाऊं। यहाँ से होगा इसका, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मेरा दिल नहीं मानता, इधर से कि मैं खुदा के घर सवार होकर जाऊं। फिर चौथा है, आप रज़ी अल्लाह ताला की सखावत का कोई वाक़या बयान कीजिए। यहाँ से शुरू होगा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहमान नवाजी सारे अरब में मशहूर थी। ये चौथा, हाजतमंदों के साथ आपके हमदर्दी का कोई वाक़या बयान कीजिए। इधर से होगा पेज नंबर 17 से पांचवां जवाब है, एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतकाफ़ में थे कि एक साइल आया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतकाफ़ छोड़कर उसकी हाजत पूरी कर दी और फरमाया, मेरे नज़दीक किसी हाजतमंद की मदद करना एक महीने के इतकाफ़ से बेहतर है। चले जी, ये जो हमारे सवालात जवाबात का हिस्सा मुकम्मल हुआ, इसका जो अगला है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इंतकाल, इधर से इस सबक में से ही आप जुमले बनाने शुरू कर दें बच्चों। जैसे कि इधर है, आपने 50 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई, या कोई भी आप इंतकाल की मतलब मेरे मामू का इंतकाल हो गया, या इस तरह के अपने जुमले खुद बनाए। ज़हीन, मेरा भाई बहुत ज़हीन है। शफकत, हमारे माँ बाप हम पर बहुत शफकत करते हैं। बुधवार, फजर, हाजत, फियाज, साइल, हिजरत, ठीक है। बुधवार हमें बुधवारी से काम लेना होगा। फजर, हमें फजर की नमाज़ अदा करनी चाहिए। हाजतमंद, हमें हाजतमंद की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। फियाज, इधर से भले आप इधर से अपना दुश्मनों के साथ दिए, इधर से लिखे हैं ऐसे करके, हज़रत इमाम हसन दुश्मनों के साथ भी फियाजी का बर्ताव करते थे, ठीक है। साहिल, हमें साहिल की मदद करनी चाहिए। हिजरत, आप सल्लम ने या आप सल्लम के सहाबियों ने इस्लाम लाने के बाद हिजरत की, ठीक है। अभी ये जीम है हिस्सा, अलिफ की खाली जगह में हिस्सा बे के मुनासिब जो उसका नंबर लिखिए। हिस्सा अलिफ है, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अभी इसका जो है छठा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे थे। इसका हिस्सा बे का, हज़रत हसन बहुत मोहब्बत करते थे, इधर से, ठीक है। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जो सातवां है कि मोहब्बत और शफ़क़त भरी गोद में परवरिश पाई। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत में हज़रत में आप, ये आठवां है, अपने नाना से बहुत मिलते थे, ठीक है। ये आप इनकी, मैंने इधर नंबरिंग कर दी है, आप ऐसे करके अपनी मश्क पूरी कर लीजिएगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के बारे में 10 जुमले लिखे, आप कोई भी उनकी सिफाती जुमले 10 लिख सकते हैं, सही पर निशान लगाइए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते थे। गलत होगा, नवासे थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, सही।
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد دن چڑھے تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے. صحیح. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کئی حج پیدل سفر کر کے کیے. صحیح. حضرت امام حسن نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی. ادھر دیکھ لیتے ہیں, مدینہ منورہ میں پائی تھی. تو یہ بھی پانچواں بھی جو ہے یہ غلط ہے. پھر ہے ذیل کے الفاظ. ہم معنی الفاظ کے میں سبق میں تلاش کیجیے, جیسے شفقت اس کا محبت, مال دولت, سخی غنی, دفع ایک مرتبہ, ضرورت مند حاجت مند. ادھر لکھا ہوا ہے وضاحت, دن میں تقریباً 10 بجے 4 نفل پڑھے جاتے ہیں, انہیں چاشت کی نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چاشت کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو دن میں پڑھی جاتی ہے سورج نکلنے کے بعد. رمضان شریف کے آخری عشرے 10 دن میں مستقل طور پر عبادت کی خاطر مسجد میں رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں. چلیں جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بچوں وہ پورا ہوا. ملتے اگلے لیکچر میں, تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.